अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप वीवर? आज मैं आपको ब्राइडल बेस और पार्टी मेकअप करने का तरीका सिखाऊंगी, वो भी मिनरल बेस के साथ। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मिनरल बेस यानी कि पाउडर फाउंडेशन को कैसे यूज़ किया जाता है पार्टी मेकअप के लिए और ब्राइडल मेकअप के लिए। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में दो मेथड शेयर करूँगी, प्रोफेशनली तरीका जो कि फुल वाटर प्रूफ आपको HD बेस बनाने का तरीका सिखाऊंगी इस वीडियो में। एंड तक आपने देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है एक सेकेंड के लिए भी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर आप स्किप करके देखते हैं ना, तो फिर आपको अच्छे से समझ नहीं आती। तो इस तरह की अगर ब्राइडल बेस बनाना चाहते हैं जो कि फुल वाटर प्रूफ भी हो और लॉन्ग लास्टिंग भी हो और कवरेज वाली भी हो, तो हाई कवरेज वाली अगर आप बेस बनाना चाहते हैं तो किस तरह बनाएंगे, तो चलते हैं अपनी प्यारी सी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक मिनरल बेस यानी कि पाउडर फाउंडेशन, जिसे मिनरल बेस भी बोलते हैं। शेफर पाउडर फाउंडेशन मेरे पास है, ये 3X में है, ऑयल कंट्रोल है, फुल वाटर प्रूफ है। आप इससे HD बेस कैसे बनाएंगे, पहले हम ब्राइडल बेस बनाने का तरीका सीखेंगे, तो किस तरह हमने ब्राइडल बेस इससे बना सकते हैं, तो पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगी किस तरह आपने बनानी है बेस। तो यहाँ मेरे पास है एवरी शेड है। अगर आपके पास अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपने बेस लेनी है, आपकी जो स्किन टोन है आपने उसी हिसाब से लेनी है। अगर आप पॉलर के लिए यूज़ कर रहे हैं, आपने पॉलर रन किया है, तो फिर आप एवरी शेड या F1 शेड ले लिया करें, उसे आप दूसरे शेड में कन्वर्ट कर लिया करें। तो इस तरह की ये होती है पाउडर शेप में, तो इसकी हाई कंसिस्टेंसी में ये होती है। तो इसको थोड़ा सा ही आपने अमाउंट में लेना होता है। अगर आप फेस और गर्दन के लिए बना रहे हैं तो फिर आपने थोड़ी सी अमाउंट में लेनी है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में बनाकर रखना चाहते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, ये बनाकर आप नहीं रख सकते, ये खुश्क हो जाती है। अगर आप बनाना चाहते हैं कि हमारी ड्यू यानी कि ग्लॉसी सी स्किन लगे और हमारा मेकअप भी बहुत अच्छा लगे, तो आपने किस तरह अपनी स्किन को प्रेप करना है, पहले तो आपने मेन चीज़ है जो आपने अपनी स्किन को क्लीन अप करना है। उसके बाद कोई सा भी आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है, अगर सर्दियां हैं तो आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं बेस, तो फिर पहले आपने आइसिंग करनी है, उसके बाद कोई सभी सनस्क्रीन लगानी है या सीरम वगैरह आप लगा सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ है कलर करेक्शन, तो कलर करेक्शन हमने लाजमी करना होता है। अगर आप कलर करेक्शन नहीं करते ना, तो फिर आपकी बेस जो होती है ना वो फटनी शुरू हो जाती है। अगर आपके फेस पर पिगमेंट बहुत ज़्यादा है, फ्रैकल वगैरह बन गई हैं छाइयाँ, तो फिर आपने कंसीलर लाजमी यूज़ करना है। कंसीलर का ये मेन मकसद होता है कि आपकी स्किन को अच्छे से प्रेप कर देते, यानी आपकी स्किन की ऐसी ब्लेंडिंग हो जाएगी कि जब ये आप कंसीलर लगाते हैं ना, तो आपके जो पिगमेंट वगैरह है ना, तो वो इतनी फिर नज़र नहीं आती। जहाँ जहाँ पे आपके डार्क सर्कल हैं, पिगमेंट है, वहाँ वहाँ पे आपने लगाना है, पूरे फेस पे आपने नहीं कंसीलर लगाना। ये बात अपने ध्यान में रखनी है, आईज़ अंडर आइज़ के नीचे और आपने लिप्स के राउंड आपने लगानी है ये कंसीलर। अगर आपके फेस पे नोज़ पे आपके छाइयाँ हैं तो वहाँ भी आपने लगाना है। अगर आपकी ज़रूरत है तो आप ज़्यादा अमाउंट में भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके फेस पे छाइयां नहीं है। तो दूसरी चीज़ जो चाहिए हमें, वेट पैनकेक चाहिए। तो यहाँ मैं अफोर्डेबल प्राइस में बेस बनाना सिखा रही हूँ आपको मैक की, ये मेरे पास 45 नंबर है। तो इससे हम इसमें थोड़ा सा ड्रॉप पानी का डाल के इसको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी में, हमें थिक कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आपके पास लिक्विड फाउंडेशन आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन हम HD बेस बनाना चाह रहे हैं ब्राइडल की, तो हम इसे इस तरह ही बनाएंगे। तो आपने भी इसी तरह से मिनरल बेस यानी कि पाउडर फाउंडेशन को इसी तरीके से अप्लाई करना है अपने क्लाइंट के या अपने फेस पे। अगर आप बनाना चाहते हैं ब्राइडल बेस, तो इस तरह ही आपने बनानी है। आपने ये नहीं कि आपने पहले पाउडर फाउंडेशन लगानी है उसके बाद फिर आपने वेट पैनकेक यूज़ करना है, नहीं। या मैं आपको प्रोफेशनल तरीका बता रही हूँ मिनरल बेस को यूज़ करने का। तो ये हमने थोड़ा सी अमाउंट में हमने कंसीलर लिया था ऑरेंज शेड में, और ये हमने थोड़ा सा ये वेट पैनकेक को हमने ऐड किया, और थोड़ी सी अमाउंट में एक चुटकी के बराबर ही आपने ये, यानी अगर आप फेस और गर्दन के लिए बना रहे हैं तो फिर एक चुटकी ही बहुत ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा हाई कवरेज वाली बेस बनाना चाहते हैं ना, तो आपने इतनी ही अमाउंट लेनी है। आपने ज़्यादा अमाउंट लेंगी ना, तो फिर आपकी केकी सी बेस बननी शुरू हो जाएगी। तो आपने केकी या क्रैकी बेस नहीं बनानी, ना ही डबखड़बी बेस बनानी है। तो आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, स्किन प्रेप अच्छी होनी चाहिए। तो मोस्टली आपको मॉइस्चराइज़र वगैरह अपनी स्किन पे अगर अप्लाई करके आप बेस सर्दियों में बनाते हैं ना, तो फिर आपकी बेस कभी भी ख़राब नहीं होती। ना ही ज़्यादा अमाउंट में आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है, ना ही कम अमाउंट में लगाना है। स्किन को अच्छे से प्रेप करने के बाद ही आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है, आपने डायरेक्टली इसकी एप्लीकेशन नहीं करनी। फिर आप कहेंगे कि हमारी बेस अच्छी नहीं बनी, आप गलत बताते हैं। कमेंट करके पूरी वीडियो देखते नहीं, फिर कमेंट करके आप बताते हैं कि हमारी बेस तो अच्छी नहीं बनती। तो इस तरह आपने इसकी तीनों चीज़ों की अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेनी है। थोड़ा सा पानी ऐड करना चाहें तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, वरना ये वेट पैनकेक है, इसमें या आपकी ये पाउडर फाउंडेशन ऑब्जर्व हो जाएगी। तो ये देख लीजिए, हमने इसको तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से। अब हमने अपनी स्किन को प्रेप करने का टाइम आ गया है, तो किस तरह हमने अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन अप करना है। फर्स्ट टाइम अगर आप बना रहे हैं तो आपने अच्छे से क्लीन अप करने के बाद आपने कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लेना है, आपने थोड़ी सी अमाउंट में मॉइस्चराइज़र लेकर अपनी स्किन पे
ब्लेंडिंग करनी है इसके अच्छे से, जिस तरह आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं फेस पे इस तरह आपने अपने फेस पे लगाना है। तो मैं यहाँ हैंड लगाकर आपको दिखा रही हूँ, तो इसी वे से आपने अपनी बेस बनानी है। तो यह देख लीजिए, इसी तरह आपने अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन अप करने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना है। जब ये मॉइस्चराइजर ड्राई हो जाए, फिर आपने थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए यानी कि स्किन के अंदर चला जाए, फिर आपने इसके ऊपर दूसरी चीज़ लगानी होती है। ये नहीं कि फटाफट आपने एक चीज़ लगाई धड़ाधड़ दूसरी चीज़ ऊपर लगाना, फिर आपकी बेस में ना फटनी शुरू हो जाती है, यानी कि एक तय के ऊपर दूसरी तय बैठ जाती है। तो इस तरह हमने अपने क्लीन अप करने के बाद मॉइस्चराइजर लगाया है, उसके बाद डॉटर्स लगाकर आपने ये अच्छी सी ब्लेंडिंग इसकी करनी है। तो ये देख लीजिए, ब्रश की मदद से आपने इसके पहले लगाना है ब्रश की मदद से, फिर आपने इसके ऊपर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से आपने इसकी टैपिंग करके आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है। पहले आपने सिंगल कोड एक लगाकर फिर उसकी ब्लेंडिंग करनी है। आप ब्राइडल बेस बनाना सिखा रही हूँ, तो यहाँ HD ब्राइडल बेस या जो हमने कंसीलर डालने का हमारा मकसद ये था, अगर आपके पास कंसीलर नहीं ना तो आप कोई सी लिपस्टिक ऑरेंज शेड की डाल सकते हैं। अगर आपके पास ऑरेंज लिपस्टिक भी नहीं है, कंसीलर भी नहीं, तो फिर आप मैट की जो आई शेडो है ना किट, वहाँ से आप थोड़ा सा स्क्रैच करके पिंक शेड या पीच शेड आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो यही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये देख लीजिए, फ़ौरन ही ये झटपट से ये ड्राई हो जाती है, इतनी देर नहीं लेती क्योंकि इसमें पाउडर फाउंडेशन हमने मिक्स किया हुआ है। अगर ये केला वेट पैन केक होता ना केला, तो फिर इतनी जल्दी ये जज्ब नहीं होना था ना ड्राई होना था। तो ये इसमें वेट पैन केक में हमने थोड़ा सा पाउडर फाउंडेशन यूज़ किया है ना, इसलिए ये जल्दी हो गया। तो इसको अपने ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा वेट करना है, सेटिंग स्प्रे से भी आप कर सकते हैं या पानी की मदद से भी आप इसे कर सकते हैं। फुल ड्राई नहीं होना चाहिए, फुल ये वेट भी नहीं, आपने इतना ज़्यादा भी नहीं आपने गीला करना, आपने थोड़ा सा बस गीला करना है थोड़ा सा, कि ऐसा हो कि काफ़ी देर से आपने भिगो कर रखा है, फिर उसे अच्छी से निचोड़ लें, फिर उसके बाद आपने इस तरह थोड़े थोड़े से स्लो स्लो करके आपने इसकी टैपिंग करनी है। तो इसको आपने ब्लेंडिंग अच्छे तरीके से करनी है, जितनी ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होगी, हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि जितनी ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होगी उतनी ही बेस आपकी अच्छी बनेगी। ये देख लीजिए, मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग मैंने अपनी बेस बनाई है, आप भी अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही बेस बना सकते हैं। तो अगर आपके पास अपनी बेस स्किन टोन के अकॉर्डिंग नहीं है, आप गलत ले आए हैं, तो फिर आपने इसको किस तरह करना है, तो मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी बेस को किस तरह दूसरे कलर में कन्वर्ट करने का तरीका सिखाया है। ये देख लीजिए, HD बेस बन रही है हमारी, कोई फाइव लाइन नज़र नहीं आ रही और ना ही वेंस वगैरह नज़र आ रही, ना ही कोई पिगमेंट वगैरह नज़र आ रही है। तो ये देख लीजिए हमारी कितनी बेस अच्छी बनी है, फ्लॉलेस बेस बनी है और ग्लोइंग बेस बनी है। तो इसको हम और ज़्यादा ग्लोइंग करने के लिए इसके ऊपर लूज पाउडर भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर आप कोई सा भी हाइलाइटर भी लगा सकते हैं। अगर आप इसी में हाइलाइटर मिक्स करना चाहें तो थोड़ा सा स्क्रैच करके आप इसी में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये थे मेरा पहला मेथड था, जो मैंने आपको HD बेस बनाने का तरीका सिखाया है, ब्राइडल बेस बनाने का तरीका सिखाया है। तो इसी वे से आपने भी बनाना है, थोड़ी सी अमाउंट में आपने वेट पैन केक लेना है, पाउडर फाउंडेशन लेनी है और कंसीलर आपने ऐड करना है। तो इसी वे से आपने लगाना है, स्किन को प्रेप करने के बाद आपने मॉइस्चराइजर लगाना है, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आपने ये ब्लेंडिंग इसकी करनी है बेस की। तो ये देख लीजिए कितनी अच्छी ब्लेंडिंग हुई और कितनी नाइस ब्लेंड हुई, ऐसे लग रहा है कैसे पता नहीं कितनी महंगी काशी की आपने पिंक बेस यूज़ की हो। तो ये देख लीजिए इसी वे से आपने करना है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको तरीका आना चाहिए। तो ये जो मेथड होते हैं ना, ये फॉलो किया करें आप भी। अगर आपको याद नहीं रहते तो आप लिख कर रख लिया करें, या आप वीडियो को डाउनलोड करके रख लिया करें, जब आप बनाएं तो इसी वे से आपने बनानी है बेस। ये फुल वाटरप्रूफ है और मैंने आपको इसका लाइव डेमो भी दिखा दिया है, सबसे पहले मैंने वाटरप्रूफ ये दिखा दिया है। तो चलते हैं अपने दूसरे मेथड में, आप सीखे हैं पार्टी मेकअप करने का तरीका। मिनरल बेस को यूज़ करते हैं, पाउडर फाउंडेशन को यूज़ करते हैं, थोड़ी सी अमाउंट में आपने पाउडर फाउंडेशन लेनी है और ज़्यादा आपने थिक नहीं बनानी और ना ही ज़्यादा पतली बनानी है। आपने लाइट सी आपने इसमें पानी ऐड करना है, एक दो ड्रॉप ही आपने, एक चुटकी में आपने एक ही ड्रॉप या दो ड्रॉप ही पानी ऐड करना है, मिनरल वाटर जिसे बोलते हैं, या आपने इसमें ऐड करना है मिनरल वाटर को। आपने अगर आप इसमें स्किन टोनर भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी स्किन टोनर से बनती है। तो अगर आपके पास स्किन टोनर नहीं है तो आप रोज़ वाटर डालें, अगर आपके पास रोज़ वाटर भी नहीं है तो फिर आप ये सादा वाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सादा पानी को आपने इसमें एक दो ड्रॉप आपने इसमें ऐड करने हैं और आपने थिक सी कंसिस्टेंसी में आपने बनानी है। तो यहाँ मेरे से थोड़ी सी पतली बन गई है, तो मैं इसमें थोड़ी सी अमाउंट में और लूँगी। तो यहाँ देख लीजिए लिक्विड फाउंडेशन में ये आपने कन्वर्ट कर लेनी है। तो इसको कैसे यूज़ करना है, आपने सबसे पहले पार्टी मेकअप करने के लिए अपनी स्किन को क्लीन अप करना है, उसके बाद आपने ड्राई करना है, उसके बाद आपने कोई सा भी मॉइस्चराइजर लेना है। तो यहाँ मैं वैसलीन का मॉइस्चराइजर ले रही हूँ, थोड़ी सी अमाउंट में आपने लगाना है, ज़्यादा अमाउंट में आपने नहीं लेना। तो अगर आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं ना तो फिर आपकी बेस अच्छी नहीं बनती। लाइट सा आपने इसको टच देना है और यहाँ अच्छे से आपने स्किन को
मॉइस्चराइज़ कर लेना है। मॉइस्चराइज़ करने के बाद एक मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। पार्टी मेकअप कर रहे हैं, अगर आप बेस बना रहे हैं, ब्राइडल बेस बना रहे हैं, तब भी आपने एक दो मिनट के लिए मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद छोड़ देना है। बहुत सारी मेरी बहनें जल्दबाजी करती हैं कि मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद फ़ौरन ही आप एप्लीकेशन करने शुरू कर देती है, तो फिर आपकी बेस जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो आपने एक मिनट के लिए गैप देना है इसको। उसके बाद कोई से भी आपने प्राइमर लेना है, अगर आपके पास प्राइमर नहीं तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आपने थोड़ी सी अमाउंट में एलोवेरा जेल ली है और इसकी भी अच्छी सी आपने ब्लेंडिंग करनी है। फिंगर की मैसे भी आप कर सकते हैं, तो इस तरह आपने इसकी भी ब्लेंडिंग करनी है जिस तरह मॉइस्चराइज़र की आपने ब्लेंडिंग की है। यहाँ मैं पार्टी मेकअप बना रही हूँ, ब्राइडल मेकअप आपने सीख लिया, पार्टी मेकअप आप सीख रहे हैं, तो ये आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि आपने जब भी प्राइमर यूज़ करना है तब भी आपने एक दो मिनट का गैप देना है, फिर आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है। फ़ौरन ही आपने इसकी एप्लीकेशन नहीं करनी, अगर आप प्राइमर लगा कर इसकी एप्लीकेशन करते हैं तो बहुत स्मूथली आपकी बेस बन जाती है। तो ये देख लीजिए, उसके बाद कोई सा भी आपने फाउंडेशन लेनी है, लिक्विड फाउंडेशन जो भी आपके पास है, मैक की है, शेफर की है, कोई भी आपके पास लिक्विड फाउंडेशन है, तो आपने एक दो ड्रॉप उसके इस तरह एप्लीकेशन करनी है। डॉट्स लगाकर आपने उसको अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, इस तरह डॉट्स लगाकर आपने लाइट सी इसकी कवरेज देनी है। ज़्यादा आपने हाई कवरेज वाली बेस नहीं बनानी, अपने लाइट सी कवरेज वाली बेस बनानी है। ब्राइडल मेकअप में आपने वेट पैनकेक यूज़ किया था, यहाँ आपने लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करनी है। तो यहाँ आपने लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करनी है, कोई भी आपके पास अगर है मैक की कोई सा भी आपने वो यूज़ करनी है, तो उसको आपने इस तरह डिप करके अपने ब्यूटी ब्लेंडर में से इसकी ब्लेंडिंग करनी है। इस तरह आपने थपा थपा के आपने लगानी है। आपने ज़्यादा अगर रगड़ रगड़ के करेंगे या ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो फिर आपकी बेस हटनी शुरू हो जाएगी, तो आपने ब्लेंडिंग इसी वे से करनी है। अक्सर जो होता है ना कि ब्लेंडिंग का तरीका आपको नहीं आता, बाकी आप चीज़ें सारी कर लेते हैं लेकिन ब्लेंडिंग आपकी सही नहीं होती। ब्लेंडिंग आप अच्छी कीजिए करें ताकि आपकी बेस हाई कवरेज वाली एचडी कवरेज वाली बेस बने और लॉन्ग लास्टिंग फुल वाटर प्रूफ हो। तो इसी तरह इस तरह आपने इसको टैपिंग मोड में आपने इसको करना है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग आपने अच्छे से धुपा धुपा के करनी है। तो इसके बाद आपने एक मिनट के लिए इसको भी छोड़ देना है। जब भी आप कोई भी फाउंडेशन लगाने तो आपने एक मिनट के लिए इसको छोड़ देना होता है। अक्सर मेरी बहनें कहती हैं कि फाउंडेशन लिक्विड फाउंडेशन लगाने के बाद पाउडर फाउंडेशन ऊपर टिकती नहीं है, ख़राब हो जाती है, तो ये तरीका नहीं ठीक, ये गलत तरीका है। तो ये देख लीजिए, आपकी आंखों के सामने ही मैं लगा रही हूँ, कोई फ़िल्टर वगैरह नहीं है, कोई और चीज़ नहीं मैं यूज़ कर रही, तो यहाँ आपकी आंखों के सामने मैंने बना कर रखी थी वाटर में मिक्स करके थोड़ी सी पाउडर फाउंडेशन। तो ये मैंने एप्लीकेशन की है, उसकी फ़ौरन ही मैंने की है, मैंने एक मिनट का गायब भी नहीं दिया कि ये सूख जाए, लेकिन मैंने गिली के ऊपर ही आप यूज़ करके दिखा दी क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है। तो इसलिए ये देख लीजिए, कौन बहन कहती है कि ये पाउडर फाउंडेशन ऊपर टिकती नहीं है लिक्विड फाउंडेशन पे। तो लिक्विड फाउंडेशन की अगर आप अमाउंट ज़्यादा लगा रहे हैं ना फिर आपकी नहीं टिकेगी, अगर आप लाइट सी कवरेज दे रहे हैं फिर आपकी टिक जाएगी। तो ब्लेंडिंग आप अच्छी कीजिए करें, और कोई भी चीज़ आप लगाने का तरीका आपको अच्छा आना चाहिए। तो किस तरह आपने लगाने हैं, कोई भी चीज़ आप ख़रीद लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करने के बाद आपको लगाने का तरीका नहीं आता, फिर आप कहते हैं कि ये भी चीज़ अच्छी नहीं निकली, ये भी चीज़ अच्छी नहीं निकली, गलत बताते हैं यूट्यूब पर, वीडियो गलत डालते हैं। तो इसी तरह दूसरे को अल्ज़ाम देने से पहले आप अच्छे से ब्लेंडिंग करना सीख लें। तो ब्लेंडिंग का तरीका सिर्फ आपको आना चाहिए। ये देख लीजिए, आपकी आंखों के सामने मैंने पार्टी मेकअप का तरीका आपको बताया है कि इस तरह पर पाउडर फाउंडेशन को यूज़ करना है। सिर्फ आपने इसको पानी में ऐड करना है एक दो ड्रॉप, तो थोड़ी सी चुटकी भर आपने लेनी है, उसको एक ड्रॉप पानी में या दो ड्रॉप पानी में ऐड करके आपने थिक सी कंसिस्टेंसी में बना लेनी है। उसके बाद आपने अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है, प्राइमर लगाना है, उसके बाद आपने कोई से भी फाउंडेशन लगानी है, उसके ऊपर आपने ये पाउडर फाउंडेशन एप्लीकेशन कर देनी है और इसकी ब्लेंडिंग अच्छी तरीके से कर देनी है। अगर मेरी बहनों के फेस पर पिगमेंट वगैरह नज़र आ रही हैं तो उनको चाहिए कि वो प्राइमर यूज़ करने के बाद कोई सा भी कंसीलर यूज़ करें, उसके बाद इसकी फाउंडेशन की एप्लीकेशन करें। तो यहाँ देख लीजिए, आपकी आंखों के सामने मैंने बेस बनाने का तरीका आपको बताया है, पार्टी मेकअप भी बताया है, और ब्राइडल मेकअप भी करने का तरीका आपको बताया है, एचडी हाई कवरेज वाली बेस बनाने का तरीका सिखाया है। तो ये फुल वाटर प्रूफ है और मैंने इसका लाइव डेमो आपको फर्स्ट में ही दिखा दिया है। तो इसको किस तरह आपने बनाना है सिर्फ आपको तरीका आना चाहिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। कुछ ना कुछ तो आप सीखते हैं मेरी वीडियो में, अगर आप कुछ सीखते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताया करें कि आप ही हमें इस चीज़ पे वीडियो बना कर दें, ये बेस हमें यूज़ करने का तरीका सिखाएं, या इस तरह मेकअप करने का तरीका सिखाएं, कोई से भी फाउंडेशन के बारे में पूछ सकते हैं तो मैं उस पर वीडियो बना दिया करूँगी। तो ये तरीका आसान है जो पाउडर फाउंडेशन को यूज़ करने का, यही प्रोफेशनल तरीका है। हम अपने सैलून्स में अपने कस्टमर पे यही तरीके यही मेथड यूज़ करते हैं और आपको यही बताते हैं, कोई गलत बयानी नहीं करते। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।